बूढ़ी मेकअप आर्टिस्ट। एक समय की बात है, विजयनगर नामक गांव में एक विधवा औरत मालती अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। मालती की बहू उमा स्वभाव से बहुत बुरी थी। वो रोजाना मालती से बात बात पर लड़ती रहती थी। उमा का पति पुष्पेंद्र शहर में मजदूरी किया करता था, इसलिए वो कभी कभी ही गांव आ पाता था। पुष्पेंद्र शहर से घर खर्चे के लिए पैसे भेजता तो दो लिफाफे भेजता था, एक अपनी माँ के नाम और एक अपनी पत्नी के नाम। परंतु उमा मालती के पैसे भी अपने पास रख लेती थी। ऐसे ही एक दिन, यह उमा और मालती के नाम के दो मनी ऑर्डर है, लाओ लो भैया जल्दी से मुझे दे दो, यह मालती दीदी के सिग्नेचर करने के बाद ही मिलेगा। अरे माँ जी जरा आराम कर रही है, लाओ मैं सिग्नेचर करवा कर लाती हूँ। ए बुढ़िया चल जल्दी से इस पर सिग्नेचर कर दे। मालती उस कागज पर साइन कर देती है और उमा वो कागज पोस्टमैन को दे देती है। भैया ये जल्दी से मनी ऑर्डर मुझे दे दो। इस प्रकार उमा सारे पैसे अपने पास रख लेती है और अपने बेटे किशोर के लिए खाने पीने की चीजें खरीदती है। माँ बहुत भूख लगी है, ये देख मैं तेरे लिए कितने सारे पकवान लाई हूँ, कचौड़ी समोसे और जलेबी, चल हम दोनों मिलकर खाते हैं, मजा आ जाएगा। उमा बहू बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो ठीक रहता। पता नहीं इस बुढ़िया को कितनी भूख लगती है, जब देखो तब माँ बेटे के खाने पर नजर लगाती रहती है। ये ले आधी कचौड़ी तू भी खा ले और अब रात तक खाना मत मांगियो। और मैंने तुझे कपड़े धोने के लिए बोला था, फिर तूने अभी तक कपड़े क्यों नहीं धोए? ये कचौड़ी खाकर चुपचाप सारे कपड़े धो देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी मालती भला एक कचौड़ी का टुकड़ा खाकर कैसे भूख मिटा सकती थी। वो फिर से दोबारा काम पर लग जाती है। एक दिन पुष्पेंद्र शहर से वापस आने वाला था। उमा को पता था कि जब पुष्पेंद्र मालती से पूछेगा कि जो पैसे भेजता है वो उसे मिलते हैं या नहीं, तो उमा घबरा जाती है और मालती से कहती है, सुन बुढ़िया अगर तूने अपने बेटे से कहा कि उसके भेजे हुए पैसे तुझे नहीं मिलते तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो तो एक दिन रहकर चले जाएंगे, लेकिन बाद में जो मैं तेरा हाल करूँगी ना तू देखती रह जाएगी। अपने बेटे के सामने रोने की कोशिश मत करना। नहीं नहीं बहू मैं पुष्पेंद्र को कुछ नहीं कहूँगी। थोड़ी देर बाद पुष्पेंद्र घर आ जाता है। उमा पुष्पेंद्र को बैठाकर पानी पीने के लिए देती है। थोड़ी देर बाद, माँ जो पैसे मैंने तुम्हें भेजे थे वह पैसे तुम्हें मिल गए थे ना? अरे आप भी ना कैसी बातें करते हो, माँ जी को मैं बराबर पैसे देती रहती हूँ। माँ ये लो गरम गरम पनीर के पकौड़े आप भी खाओ। पुष्पेंद्र दो दिन रहकर वापस शहर चला जाता है। उमा फिर से अपने रूप में आ जाती है। मालती घर का सारा काम करके चक्की से आटा ला रही होती है कि तभी उसे चक्कर आ जाता है। तभी टैक्सी में जा रही ज्योति नाम की एक लड़की उसे देख लेती है। अरे भैया इन्हें उठाने में मेरी मदद करो, पता नहीं कौन है। ज्योति मालती को उठाकर अपने घर ले जाती है और बिस्तर पर लेटा देती है। अरे ज्योति ये तेरे साथ कौन है? अरे यार ये रास्ते में बेहोश हो गई थी, मैं इन्हें घर ले आई, लगता है इन्हें होश आ गया है। अब कैसा लग रहा है आपको? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। माँ जी आप इतनी भारी आटे की बोरी अकेली उठाकर ले जा रही थी, आपके बच्चे या और कोई नहीं है क्या? ये सुनकर मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रो पड़ती है। अरे अरे माँ जी अगर कोई परेशानी है तो आप हमसे कह सकती हो, मुझे लग रहा है आप बहुत परेशानी में हो। क्या करूं बेटा मैं इस जीवन से हार चुकी हूं। मालती के दुख का घड़ा फूट जाता है और वो सारी बात ज्योति और बाकी लड़कियों को बताती है। अब इस संसार में जीने की कोई भी इच्छा नहीं बची है। माँ जी ऐसा मत सोचिए और जीवन से ऐसे निराश मत होइए। अब आप अपनी बहू के पास वापस मत जाना, आप यहाँ हमारे साथ रहो। बेटी तुम बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम लोग ये गांव में रहती हो क्या? जी माँ जी हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम मेकअप करने का काम करते हैं और आसपास के गांव और शहरों में मेकअप करने जाते हैं। अच्छा क्या मैं भी ये काम सीख सकती हूँ? क्यों नहीं माँ जी बिल्कुल, और ये तो बहुत अच्छी बात है,
हमारे ग्रुप में आप भी जुड़ जाओगी, मैं आपको मेकअप करना सिखा दूंगी। मालती उन लड़कियों के साथ ही रहने लगती है और कुछ ही समय में वो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बन जाती है। इधर उमा मालती के कई दिनों तक घर ना आने के कारण घबरा जाती है। अरे ये बुढ़िया इतने दिनों से कहाँ गायब है, मुझे तो कोई खोज खबर नहीं है। किशोर के पिताजी ने अचानक शहर बुलाया है, वहाँ जाकर अब यही बोलना पड़ेगा कि बुढ़िया की तबीयत खराब थी इसलिए नहीं ला सकी। उमा किशोर को लेकर शहर पहुँचती है। शहर में पुष्पेंदर उमा से कहता है, क्या हुआ उमा, माँ तुम्हारे साथ नहीं आई? वो माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें बोला कि वो गांव में ही रहे, बेकार में सफर करती तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती। और आपने मुझे यूँ अचानक शहर क्यों बुला लिया? अरे वह मेरी सेठ जी की बेटी की शादी है, इसलिए उन्होंने बोला कि कोई उन्हें काम के लिए मिल जाए, मैं सोचा तुम्हें बुला लेता हूँ और माँ भी थोड़े दिनों के लिए मेरे पास रह लेगी। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें मालकिन से मिलवा देता हूँ। देखो पुष्पेंदर, शाम को मेहंदी का समारोह है तो काम अच्छे से निपटाने हैं, जितने भी मेहमान आएंगे उनके स्वागत में कोई कमी न रह पाए। आप चिंता ना करें मालकिन, सारा काम हो जाएगा, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसे गाँव से बुला लिया है, यह सब संभाल लेगी। उमा मेहंदी समारोह के काम में लग जाती है। सब मेहमान आने लगते हैं। बेटी पार्लर वाली अभी तक नहीं आई, कितने बजे का टाइम दिया था तुमने? मम्मी मेरी उनसे बात हो गई है, बस कुछ ही देर में आती होंगी। लो वो आ ही गई। अरे माँ जी यहाँ कैसे, पार्लर वाली लड़कियों के साथ? माँ यहाँ। उमा तुम तो कह रही थी कि माँ बीमार है और गांव में ही है, फिर माँ पार्लर वाली लड़कियों के साथ क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुष्पेंदर बेटा तू, आप मेरे साथ यहाँ आइए, मैं आपको सब बताती हूँ। अरे अब ये लड़की तो इनको सब बता देगी। शायद आप नहीं जानते, आपकी पत्नी ने आपकी माँ के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए ये बेचारी अपना घर छोड़कर हमारे साथ रहने को मजबूर थी। ज्योति पुष्पेंदर को सारी सच्चाई बताती है। मालती की आँख में आंसू आ जाते हैं। पुष्पेंदर सबके साथ घर आ जाता है और उमा से कहता है, उमा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तुम्हारी वजह से मेरी माँ इधर उधर भटकती रही, अब तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं रहोगी, अब तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं रहोगी, किशोर को मैं पाल लूंगा, अभी के अभी अपने मायके निकल जाओ। ऐसा मत कहो, मैं आप लोगों के बिना कैसे रहूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, माँ जी मुझे माफ कर दो। पुष्पेंदर बेटा मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ, उमा को माफ कर दे, गलती इंसान से ही होती है, मैंने उमा बहू को माफ कर दिया। पुष्पेंदर जी आप चिंता मत कीजिए, अब आपकी माँ जी हमारे साथ ही काम करेगी। उस दिन के बाद उमा ने अपना व्यवहार बदल लिया। मालती ने मेकअप करना नहीं छोड़ा, उसने अपना मेकअप करने का काम चालू ही रखा। उमा को उसकी गलती का एहसास हो गया था, अब वो भी मालती का बहुत ध्यान रखती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय दोस्तों।